हेलो दोस्तों, स्वागत है इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के इस नए वीडियो में। एंड आई थॉट एक और वीडियो आज निकाल लें, बिकॉज माइंड में बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं। आई थॉट इस पे भी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड थोड़ा क्रूड रहने वाला है। बट बिफोर दैट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर ये वीडियोस कंज्यूम कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, बट उस नॉलेज को सिर्फ दिमाग में रख के सोच रहे हो ग्रोथ होगी, तो नहीं होने वाली दोस्तों। एक्शन में लाना शुरू करो, तभी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि एक्शन से, इम्प्लीमेंटेशन से ही आपको पता चलेगा कहाँ पे आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, और तभी थोड़ी ग्रोथ कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बट बिफोर दैट, अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अब वीडियो की बात करते हैं दोस्तों, कि तुम किस तरह से अपने एक्स से मूव ऑन कर सकते हो, एंड पीसफुली जो तुम्हारा पास्ट रहा है उसके साथ एक पीस बना के आगे बढ़ सकते हो, ताकि कल को कहीं ना कहीं अगर तुम्हें तुम्हारे एक्स की याद भी आए, या उसका कहीं ना कहीं डिस्कशन छिड़ जाए, या फिर कहीं ना कहीं तुम उससे फेस टू फेस मिल भी जाओ, तो एक तरह से तुम्हारा रिएक्शन जो है वो एक नॉर्मल इंसान के प्रति जो होता है वो उसकी तरफ भी हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पास्ट में हुआ है उसका इम्पैक्ट अगर तुम्हारे प्रेजेंट पे पड़ रहा है ना, इवन आफ्टर लेट से एक साल दो साल हो गए, एंड तब भी तुम हारे माइंड पे वो इम्पैक्ट सिमिलर है जैसा कि वो फ्रेश है, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए एक मेंटल क्रच बन गया है। ठीक है दोस्तों, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा है ना कि यार जो हुआ उसे भूल जा, वो ऐसी थी या वो ऐसा था, एंड फॉरगेट अबाउट इट, ये बहुत कमीना था या कमीनी थी, तो मैं कहना चाहूँगा पहले तो उस एडवाइस को लो, दैट इज़ अ पीस ऑफ शिट एडवाइस, उसे फेंको। क्यों? क्योंकि पहली बात जो कहता है ना, भूल जा भाई, तुम्हारी मेमोरी जो है ना वो चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर सकती है, बट भूलने नहीं दे सकती। कल कोई ना कोई सिचुएशन होगी जिसमें वो पास तुम्हारे सामने आ जाएगा, तब क्या बोलोगे, भूल जा? या फिर ये बोलोगे, वो दूसरी वाली आर्ग्यूमेंट रखोगे, नहीं यार इस तरह के लड़के या लड़कियां चूतिया होते हैं, नहीं वर्क करने वाला। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइफ में तुम्हारे अंदर एक बायस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बेटर है दोस्तों कि जो पीछे इवेंट हुआ है पहले तो उसको अंडरस्टैंड करो। हो सकता है तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे साथ चीट किया हो सकता है तुम्हारे एक्स को तुमसे कोई पैटर्न मिल गया हो, या फिर हो सकता है वो तुम इंटरेस्टेड ही ना हो। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या होता है, हमने ना, हो सकता है तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो तुम्हारे एक्स के लिए, एंड तुम कहते हो कि तुम उस इंसान को प्यार करते थे। ओके, तो अगर तुम किसी इंसान को प्यार करते थे एंड वो अब तुम्हारी लाइफ से निकल रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? ओके, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ में रहना चाहिए। दोस्तों, प्यार एक इमोशन है, एंड उसका लाइफ में रहना या ना रहना वो एक रियलिटी का फैक्ट है, जो उसका इमोशन से कोई लिंक नहीं करता। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा प्यार सच्चा हो, एंड हो सकता है तुम्हारा प्यार एक ऐसे इंसान की पर्सोनिफिकेशन की तरफ हो जो वो नहीं है। तुम्हें पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है, हो सकता है किसी कारण की वजह से तुम्हारे अंदर या उसके अंदर कोई रीज़न हो जिसकी वजह से तुम दोनों की सेटलमेंट ना बैठ रही हो, उस कारण से वो सामने वाला इंसान ब्रेकअप करके गया हो, एंड जो तुम्हारी माइंड में उसकी पर्सोनिफिकेशन है वो सही भी है, एंड तुम उसे जेन्युइनली प्यार करते थे। ठीक है, लेट इट बी, तुम्हारा साथ रहना मेंट नहीं था, एंड मतलब नहीं हो सकता था, तो ठीक है, जाने दो, दैट इज़ ओके, अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। प्यार होना किसी से एक बात है, बट दैट डजंट मीन कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में रहे हमेशा के लिए। माँ बाप से भी तो हम प्यार करते हैं, बट क्या वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं? नहीं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि सिर्फ तुम्हारा उसकी तरफ प्रति 100% प्योर प्यार होना, ये मायने नहीं रखता कि वो इंसान तुम्हारे साथ रहे। सेकेंडली, तुम्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अगर चीटिंग वाला एस्पेक्ट है, कि वो इंसान प्रॉबेबली तुम्हारे लिए नहीं बना था ना। इससे मेरा क्या मतलब है, वो इंसान का जो अभी लेवल है वो उतना मैच्योर नहीं है कि वो एक प्रॉपर मोनोगमस रिलेशनशिप में आ सके, जहाँ पे वो तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप बना सके, वो अभी कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो तुम्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करके ग्रेटफुल होना चाहिए कि ठीक है भाई, उसको भी अंडरस्टैंड करना है, वो जो इंसान है वो अपनी जर्नी पे जाएगा, हो सकता है कुछ ठोकरें बजेंगी, उसके बाद हो सकता है वो ठीक हो जाएगा। एंड इस चीज़ से अंडरस्टैंड करके ना, तुम्हें उसकी तरफ एक सिंपथी होनी चाहिए कि ठीक है यार, वो अभी एक तरह से मेंटली स्टेबल नहीं है,
वो इंसान लड़का लड़की जो भी है वो यह भी कंसिडर करता है कि फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस या फिर सेक्सुअलिटी, यही सब चीज़ें मैटर करती हैं रैदर देन अ स्टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, समझो वो बात को, उसकी तरफ एक सिंपथी रखो मन में एंड मूव ऑन करो। जब तुम प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे एनालिसिस करोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे क्यों तुम्हारे उसका नाम का जिक्र चुभता है, या फिर क्यों तुम्हें जब कोई डिस्कशन होती है उसकी बात होती है तुम्हें चुभती है, या फिर अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए क्यों, क्योंकि कहीं ना तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन रह गया है कि वो मुझे सामने वाला इंसान क्यों छोड़ के गया मेरे इतने एफर्ट डालने के बाद भी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ तो मैंने डिस्कस कर दिए, और कुछ ये भी हो सकते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल उस लेवल का ना हो। कभी कभी अपने आप से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं उस टाइम पे इमोशनली फाइनेंशियली रेडी था रिलेशन में आने के लिए। हो सकता है उस इंसान को शुरू में लगा हो तुम रेडी थे, बट हो सकता है तुम नहीं हो, तो उसने फाइनली बोल दिया हो कि नहीं यार इट इज़ नॉट वर्किंग। तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हो सकता है उसकी गलती हो सकता है तुम्हारी गलती हो, एंड ज़रूरी नहीं है वही इंसान बचा था। प्यार एक इमोशन है जो तुम्हें पहली बात हो सकता है उस इंसान से मिला हो, तुम्हारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ हो फॉर अ पार्टनर ऑफ लाइफ, बट आगे तुम्हें डेफिनेटली एक पार्टनर मिल सकता है। एंड फॉर श्योर अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, एनालाइज करो अपनी माइंडसेट को उस इंसान की तरफ, और डेली बेसिस पे अपने आप को जब तुम क्वेश्चन करना शुरू करोगे ना, तब तुम उस इंसान की एक्जिस्टेंस के साथ पीस में आ जाओगे, हारमनी में आ जाओगे, सो दैट कल को कहीं वो इंसान तुम्हें मिले भी तुम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होल्ड कर सको यार उस इंसान के साथ। दो मिनट के लिए अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो मैं उससे हाल चाल पूछो, और एक्स वाई जेड बढ़िया हो, ठीक हो, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, मैंने ना थोड़े टाइम पहले विश किया था बर्थडे पर उसे, एंड आई वॉज लाइक ठीक है क्या हाल, हैप्पी बर्थडे, सब बढ़िया लाइफ में, अच्छा चल रहा है, एंड शी वॉज लाइक कि हाँ बढ़िया चल रहा है। मैंने बोला अच्छी बात है चलो, एंड शी सेड कि मैं तुम्हारा वर्क देख रही हूँ, तुमने अपना स्टार्टअप शुरू किया है हैंडमेड लेदर गुड्स का, आई सेड या बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड 5-10 मिनट बात की एंड वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, ख़त्म बात। तो ये इतना बड़ा हवा बनाने से अच्छा ना हमें लाइफ में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चीज़ें हमेशा उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह हम चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, कई बार सामने वाला इंसान मैच्योर नहीं होता। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्त ये अंडरस्टैंड करो कि कहीं बार लाइफ में हमें सीखना भी पड़ता है, जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं एंड मेमोरी हमें इसलिए दी गई है ताकि जो हुआ हमारे साथ उसमें हम देख सकें, एनालाइज कर सकें कि क्या मिस्टेक्स हमने की हैं और किस तरह के इंसान हैं जिनसे हम बच सकते हैं, या फिर कल को क्या हो सकता है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, एंड वो लेसन सीख के हम आगे और सही तरीके से ज़िंदगी बिताएं। अगर ऐसा करोगे तो कल को हो सकता है पॉसिबली एक नए पिटफॉल में बचने से बचोगे, या फिर कल को दोबारा किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तो तुम एक मैच्योर तरीके से बिहेव कर सकोगे। बस इतनी सी बात थी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोज़ के लिए, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, पीस।